फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जीरो ऑयल वेज थाई ग्रीन करी। इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं प्याज 1 कप, सफ़ेद प्याज 1 कप, हरी मिर्च 2 से 3, काली मिर्च 8 से 10, सफ़ेद मिर्च 8 से 10, ब्राउन शुगर 1/2 कप, थाई जिंजर 1 कप, लहसुन 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, बेसिल 7 से 8 पत्ते, साबुत धनिया 1/2 कप, नमक स्वाद अनुसार, लेमन ग्रास 1 कप, बेबी कॉर्न 1 कप, हरी शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, मशरूम 1 कप, ब्रोकली 1 कप। आइए अब हम इसको बनाते हैं। ज़ीरो ऑयल वेज थाई ग्रीन करी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। चटनी बनाने के लिए हम एक मिक्सर में ज़ीरा, साबुत धनिया, सफ़ेद मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, नींबू के छिलके, नमक डालकर इसे पीस लेंगे। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मिक्सर में लेमन ग्रीस और थाई जिंजर को डालकर पीस लें और इन दोनों पेस्ट को एक साथ अच्छे से मिला लें। अब एक पैन लेंगे और उसमें तैयार किए हुए पेस्ट को जब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे तरीके से सूख ना जाए। थाई करी के लिए यह चटनी बनकर अब तैयार है। इस चटनी को बाउल में निकाल कर रख लें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें प्याज डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। यदि प्याज जलने लगे तो आप इसको पानी की सहायता से भी पका सकते हैं। अब हम इसमें 3 से 4 काली मिर्च डालेंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें कटे हुए सफ़ेद प्याज को डाल लेंगे। प्याज के अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें हम दूध डालेंगे। दूध को देर तक अच्छे से पका लेंगे और दूध में उबाल आने के बाद इसमें तैयार की हुई चटनी को हम मिला लेंगे और उसे कुछ देर तक अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। अब इसमें एक एक करके सारी सब्जियां डालें और इन्हें अच्छे से मिला लें। इसमें ढक्कन रखकर सब्जियों को कुछ देर तक पका लें। सब्जी के अच्छे से पक जाने के बाद गैस बंद कर लें। इसमें ब्राउन शुगर और बेसिल के पत्ते को डालकर मिला लें। अब हमारा ज़ीरो ऑयल वेज थाई ग्रीन करी बनकर तैयार है। ऐसे ही और ज़ीरो ऑयल्स रेसिपी के लिए साउल ज़ीरो ऑयल किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।